तो हेलो दोस्तों, AR इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करते ठीक ही होंगे। तो आज ये हमारे सामने ग्लेन कंपनी का इंडक्शन है। मैं आपको इसमें प्रॉब्लम बता दूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं इस पर एक बर्तन रख लेता हूँ सबसे पहले, तो और इसे ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ऑन किया इसे, ये देख सकते हो ये आ रहा है और E0 दिखा रहा है। कभी 1200 आता है और कभी E0 आता है। तो ये हमारे बर्तन को सेंस कर रहा है और छोड़ रहा है। तो ये देख सकते हो आप दोस्तों, ये कभी 1200 आता है और कभी E0 आता है, यानी कि कभी हमारे बर्तन को छोड़ रहा है और कभी पकड़ रहा है। तो ये देख सकते हो। तो मैं इसकी सबसे पहले पावर कट कर लेता हूँ और आपको मैं इसमें प्रॉब्लम दिखाऊंगा बिल्कुल आसानी के साथ। ये प्रॉब्लम है, ये देख सकते हो। मैं इसे सबसे पहले खोल लूँगा। बिल्कुल छोटा सा इसमें फॉल्ट है दोस्तों, E0 एरर का बिल्कुल छोटा सा फॉल्ट है। मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। जब तक मैं इसे खोलता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो दोस्तों, और वीडियो को लाइक करो। तो मैं इसे सबसे पहले खोल लूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कितना सा फॉल्ट है। देख सकते हो, मैं इसे खोल लेता हूँ और इसकी मैंने इसे खोल लिया है और अब मैं इसे हटा लूँगा और अब हमें ये अपना मदरबोर्ड भी खोल लेना है। मदरबोर्ड खोलने के बाद हमें इसकी चेक कर लेना है इसको और इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट है। तो मैंने इसे खोल दिया है आसानी के साथ में और इसकी वायर हटा लेता हूँ और अब इसके मदरबोर्ड को बाहर निकाल कर हम इसे चेक करते हैं क्या फॉल्ट है हमारा इसमें। तो हमें सबसे पहले अपने सामानों को देख लेना है, कोई फटा हुआ तो नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपने प्रीसेट को देख लेना है। तो हम इसे मीटर से नापते हैं, हमारा प्रीसेट ओके है या ख़राब है। तो हमें मीटर कंटिन्यूटी मोड पर रख के हमें इसे चेक कर लेना है दोनों पॉइंट को। तो ये देख सकते हो, ये हमारी 1383 रीडिंग दिखा रहा है, देख सकते हो आप दोस्तों। तो ये हमारा प्रीसेट बिल्कुल ख़राब है। तो हम इसे डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम पर 502 का प्रीसेट नहीं है। तो हम इसे डायरेक्ट कर लेंगे और मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ। हमें प्रीसेट की दोनों लेग आपस में टच कर देनी है। ये देख सकते हो, जैसे मैंने टच कर दी है और अब मैं इस वायर को काट लेता हूँ। ये देख सकते हो, ये मैंने दोनों लेग इसकी टच कर दी हैं और अब इसे मैं अपनी बैक बॉडी में रख कर देखूँगा। ये देख सकते हो, ये हमारा 502 का प्रीसेट है। तो ये हमारे पास नहीं था तो हमने इसे डायरेक्ट कर दिया है और अब मैं इसे बैक बॉडी में रख के इसको चेक करूँगा हमारा इंडक्शन E0 फॉल्ट रिपेयर हुआ या नहीं। तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों, हमें इसका पैनल लगा लेना है और इसकी इसे हमें चेक कर लेना है। तो अब हम इसे सबसे पहले पावर देंगे। पावर देने के बाद हमें इसे ऑन कर लेना है और इस पर एक बर्तन हमें अपना रख लेना है। तो ये मैंने ऑन कर दिया है और अब मैं इस पर बर्तन रख लेता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये हमारा 1200 आ गया है। देख सकते हो दोस्तों आप, ये अब हमारा E0 नहीं दिखा रहा। तो ये इसमें इतना सा फॉल्ट था, ये मैंने 1400 पर कर दिया है इसे। देख सकते हो आप, इसमें ये प्रीसेट का फॉल्ट था और जो कि बिल्कुल फ्री में ठीक हो गया। दोस्तों, अगर आपके इंडक्शन में भी E0 आ रहा है तो आप या तो प्रीसेट को डायरेक्ट कर दे या नया प्रीसेट लगा दे और ये E0 आपका ख़त्म हो जाएगा। देख सकते हो, मैं आपको दोबारा ऑन करके दिखा दूँ। तो ये मैं इसे दोबारा ऑन कर लेता हूँ। तो ये मैंने 1200 पर आ गया है और अब मैं इसे 1400 पर कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये हमारा E0 नहीं आ रहा, हमारा इंडक्शन बिल्कुल ओके चल रहा है। ये देख सकते हो आप, ये पानी भी हमारा उड़ गया है। देख सकते हो आप, इसमें भाप आ गई है। देख सकते हो दोस्तों।